जा रहे हैं मिसेलेनियस एक्सरसाइज ऑफ चैप्टर नंबर 1 दैट इज सेट। तो इस मिसेलेनियस एक्सरसाइज में हमको टोटल 16 क्वेश्चन मिलेंगे और ये वाला एक्सरसाइज हम लोग पूरा जो चैप्टर पढ़े हैं उस सब के कॉम्बिनेशन से इसके क्वेश्चंस बनाते हैं। तो आपको बहुत ध्यान से इसके क्वेश्चन समझने हैं। हालांकि लास्ट का हमारा जो एक्सरसाइज आया मिसेलेनियस एक्सरसाइज जिसकी बात हम अभी करने जा रहे हैं, इसमें ऐसे क्वेश्चंस आएंगे जो थोड़े से टफ लेवल के होंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 12 तक अक्सर बच्चों को बहुत ज़्यादा टफ लगते हैं, तो इसमें आपको बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन बनाए रखना है, समझ रहे हैं। और कंसंट्रेशन के साथ आपको ये एक्सरसाइज प्रैक्टिस करनी है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। क्वेश्चन नंबर 1 आपके स्क्रीन में है, हमारा क्वेश्चन है, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, डिसाइड अमंग द फॉलोइंग सेट्स, यानी हमको यहाँ पर कुछ सेट्स दिए गए हैं, 4 सेट ए बी सी डी, और इस सेट्स में हमको डिसाइड करना है कि विच सेट्स आर सबसेट ऑफ वन एंड अनदर, कौन सा सेट दूसरे सेट का सबसेट है, ठीक है ना। सबको आपस में हमको चेक करना है कि कौन सा सेट दूसरे का सबसेट है। क्वेश्चन समझ में आया, अमंग दिस सेट्स, सेट ए, सेट बी, सेट सी, सेट डी, विच आर द सबसेट ऑफ वन अनदर, कौन किसका सबसेट है ये हमको बताना है। और सबसेट पर हमने पूरा एक एक्सरसाइज बनाया है, पूरा एक डिटेल से कंसेप्चुअल लेक्चर दिया है, आप सब ने अटेंड किया है तो आपको समझ में आना चाहिए, ओके। अच्छा, इसमें देखो स्टार्ट करते हैं बनाना। सेट ए क्या दिया हुआ है, सेट ए इज व्हाट, द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, यानी जो एलिमेंट है एक्स वो कैसा होगा, रियल नंबर, एंड एक्स सेटिस्फाइड दिस इक्वेशन, और ये जो रियल नंबर है वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड करता होगा, यानी इसका रूट होगा, दिस इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो इसका रूट होगा या इसकी वैल्यू होगी। एक्स का पावर मैक्सिमम यहाँ पर 2 है तो एक्स की 2 वैल्यू ही पॉसिबल होंगी, यानी इस सेट में कुल कितने एलिमेंट आएंगे, 2, जो एक्स की वैल्यू होंगी, या रूट ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा, क्योंकि एक्स की वैल्यू जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड करती होगी सिर्फ वही हमको लेनी है, समझ रहे हैं। तो सबसे पहले हम ये पता कर लेते हैं कि इतना बड़ा जो सेट बिल्डर फॉर्म में सेट लिखा हुआ है इसके एलिमेंट कौन कौन से होंगे, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो मैं इसको सॉल्व करता हूं, यहां पर देखिएगा ना, दिस इज एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12 इज इक्वल टू 0। इसको किसी भी मेथड से आप सॉल्व कर सकते हैं, आपके पास 3 तरह के मेथड होते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने के। एक होता है फॉर्मूला मेथड, एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। दूसरा मेथड होता है कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, परफेक्ट स्क्वायर कंप्लीट करो, एक्स की वैल्यू निकालो। तीसरा मेथड होता है मिडिल टर्म स्प्लिट करके बनाना, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड। मैं इसको मिडिल टर्म से बनाता हूँ, इस टर्म को हम स्प्लिट करेंगे। देखो टारगेट क्या है, 1 × 12, 12, दो नंबर ऐसे सोचेंगे जिसका मल्टीप्लिकेशन 12 होता है, और उन्हीं दोनों नंबरों को प्लस कर दें या माइनस कर दें तो 8 आ जाए। ऐसे कौन से नंबर हैं, 6 और 2, 6 2 जा मल्टीप्लाई करने में 12, और 6 और 2 को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 8, तो वो दो नंबर कौन से हो गए, 6 और 2। ये तो हमने 8x को ऐसे स्प्लिट कर दिया 6x में और 2x में, ठीक है। ये हालांकि ये सब सॉल्व करना आपको आता है, क्लास 10th में आपने बहुत प्रैक्टिस किया है इस पर, ठीक है। तो अब हम इन दोनों से कॉमन निकाल लेते हैं, दिस इज एक्स, एक्स माइनस 6, और यहाँ से 2 आ गया एक्स माइनस 6, ब्रैकेट के अंदर की चीज़ सेम बनती है तभी आपका सॉल्यूशन सही होता है, ठीक है। तो यहाँ से एक फैक्टर हमको मिला एक्स माइनस 6, दूसरा फैक्टर मिला एक्स माइनस 2, एक बार एक्स माइनस 6 को 0 पे इक्वेट करेंगे, एक बार एक्स माइनस 2 को 0 के इक्वेट करेंगे, एक्स की वैल्यू 6 आ जाएगी, एक्स की वैल्यू 2 आ जाएगी, एक्स की दो वैल्यू कौन कौन सी है पता चल गई, एक्स इज इक्वल टू 2, एक्स इज इक्वल टू 6, और दोनों रियल नंबर हैं, 2 और 6 आर रियल नंबर, सो 2 और 6 बिलोंग्स टू रियल नंबर दिख रहा है, 2 और 6 सेटिस्फाइड दिस इक्वेशन। तो सेट ए में कौन से एलिमेंट आएंगे, मैं सेट ए को फिर से एक बार लिख दे रहा हूँ, सेट ए अगर मैं इसको रोस्टर फॉर्म में लिख रहा हूँ तो ये क्या बनेगा, 2, 6, बस। तो इतने बड़े स्टेटमेंट का मतलब क्या, ये 2, 6। अब आते हैं अपने क्वेश्चन के ऊपर, हमारा क्वेश्चन ये है कि इसमें से कौन सा सेट किसका सबसेट है ये बताना है, समझ रहे हैं ना, कौन किसका सबसेट है। सबसेट का मतलब क्या होता है, जैसे मैं बोलता हूँ सेट ए इसे सबसेट ऑफ सेट बी, ए बी का सबसेट है, इसका क्या मतलब है,
कि सेट ए के सभी एलिमेंट सेट बी के अंदर आने चाहिए, सेट ए के सभी एलिमेंट सेट बी से बिलोंग करने चाहिए। तो अगर सभी के सभी एलिमेंट सेट बी से बिलोंग करते हैं तो ए इसे सबसेट ऑफ सेट बी कहलाएगा, समझ रहे हैं ना। तो अब यहाँ पर हम चेक करते हैं, देखिए ज़रा। सबसे पहले छोटे सेट से स्टार्ट करेंगे, डी से। डी का एलिमेंट कौन है? सिक्स। ये सिक्स कहीं और आता है क्या? सेट सी में आता है ना। तो एक सिक्स देखो एक एलिमेंट है जो सेट डी से बिलोंग करता है और यही एलिमेंट सेट सी से बिलोंग करता है, आ रहा है ना सिक्स इसमें। तो डी सी का क्या कहलाएगा? सबसेट कहलाएगा, समझ रहे। तो इसको मैं ऐसे लिख देता हूं, सेट डी इज ए सबसेट ऑफ सेट सी, दिख रहा है? ये सबसेट का सिंबल है, हम पहले पढ़ चुके हैं। ओके, यही सिक्स देखो सेट बी में भी बिलोंग करता है, आ रहा है ना सिक्स। तो जो एलिमेंट सेट डी में आ रहा है वही एलिमेंट सेट बी से भी बिलोंग करता है, तो वी विल कॉल इट डी इज ए सबसेट ऑफ सेट बी। फिर से सिक्स को देखो सेट ए से भी बिलोंग कर रहा है तो डी ए का भी सबसेट कहलाएगा, सो डी इज ए सबसेट ऑफ सेट ए। ये चीज समझे, इसको आप एक शब्द में ऐसे भी लिख सकते हैं कि डी इज ए सबसेट ऑफ ए, इज ए सबसेट ऑफ नहीं सी, इज ए सबसेट ऑफ बी, या नहीं ऐसे नहीं ना, नहीं तो फिर एक दूसरे के सबसेट बन जाएंगे, गड़बड़ हो जाएगा। एक तरीका तो ये हो गया आंसर देने का, इसको हम थोड़ा सा और मॉडिफाई करके आपको बता सकते हैं, देखना ना। अब ए को देखो, ए में कितने एलिमेंट आ रहे हैं? टू और सिक्स। यही टू और सिक्स और किस में दिख रहा है? इसमें बी में, टू और सिक्स यही सेम टू सेम एलिमेंट सेट बी से भी बिलोंग करते हैं, तो ए बी का भी सबसेट कहलाएगा, ए इज ए सबसेट ऑफ सेट बी, दिख रहा है ना। एक तो ये हो गया, दूसरा ये। अब हम ए को चेक कर रहे हैं, दो एलिमेंट इसमें बिलोंग कर रहे थे, यही एलिमेंट इसमें बिलोंग कर रहे हैं, तो ए इज ए सबसेट ऑफ बी। टू और सिक्स यहाँ भी बिलोंग करते हैं सेट सी से, सो ए इज ए सबसेट ऑफ सेट सी, समझ रहे। फिर से ये हो गई बात। अब देखो बी में कितने एलिमेंट आ रहे हैं? टू फोर सिक्स। यही टू फोर सिक्स यहाँ बिलोंग कर रहे हैं सेट सी से, तो बी भी क्या कहलाएगा? बी इज ए सबसेट ऑफ सेट सी, समझ रहे हो। बस इससे ज़्यादा पॉसिबिलिटीज नहीं बन सकती। तो यहाँ पर ध्यान से देखना, अगर मैं आपको बोलूँ कि सेट सी किसी सेट का सबसेट बनेगा क्या? नहीं बनेगा। क्यों? सेट सी एक इन्फिनिटी तक जाने वाला सेट है। ये कौन सा सेट है? देखो 2, 4, 6, 8 और फिर तीन डॉट लगे, यानी ये कहाँ तक जा रहा है? इन्फिनिटी तक। और ये सब कैसे नंबर हैं? इवन नंबर। तो सेट सी क्या है? दिस इज द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन नंबर, और ये बहुत बड़ा कलेक्शन होगा। अब ये इतना बड़ा कलेक्शन किसी और सेट में आता है क्या? ये सेट फाइनाइट है, खत्म हो गया, खत्म हो गया, खत्म हो गया। तो इतना बड़ा कलेक्शन किसी में नहीं आता, तो सेट सी किसी का सबसेट नहीं कहलाएगा, समझे। ओके, अब यहाँ देखो, डी ए का भी सबसेट है, बी का भी सबसेट है, सी का भी सबसेट है, ठीक है। ए को देखो, ए बी का भी सबसेट है, सी का भी सबसेट है ना। बी सी का सबसेट है, लेकिन सी किसी का सबसेट नहीं है। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं एक शब्द में कि डी इज ए सबसेट ऑफ ए, और ए खुद किसका सबसेट है? ए इज ए सबसेट ऑफ बी, और बी खुद किसका सबसेट है? बी इज ए सबसेट ऑफ सी। तो इसको हम ऐसे भी लिख के दिखा सकते हैं, दिस इज अवर आंसर, ठीक है। बाकी आप और दूसरा कोई सबसेट नहीं बना सकते। तो बस इस तरह से हम आंसर कोट करेंगे, दिस इज वन, दिस इज टू, दिस इज थ्री, और चाहें तो एक लाइन में ऐसे आंसर कोट कर सकते हैं। नोट कर लें, बढ़ते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ। कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर टू। हमारा क्वेश्चन है, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग डिटरमाइन वेदर द स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। यानी यहाँ पर हमको बहुत सारे सेट दिए गए हैं, छः सेट दिए गए हैं ना, जो मैंने यहाँ पर नोट किए हैं। इसमें से हमको बताना है कि कौन सा ट्रू है, कौन सा फॉल्स है, कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है, कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है। आगे क्वेश्चन कहता है, इफ़ इट इज़ ट्रू, अगर कोई स्टेटमेंट ट्रू होता है, प्रूव इट, तो उसको आप प्रूव करिए कि क्यों ट्रू है। प्रूव करने के लिए जाहिर सी बात हमको एग्जाम्पल की ज़रूरत पड़ेगी, तो अपने मर्जी से कोई भाई एग्जाम्पल कंसिडर करेंगे और उसको प्रूव करेंगे। आगे क्वेश्चन कहता है, इफ़ इट इज़ फॉल्स, अगर वो गलत होता है, गिव एन एग्जाम्पल, तो एक एग्जाम्पल दीजिए। इसका मतलब है ट्रू बताने के लिए भी हमको एग्जाम्पल लेके प्रूव करना पड़ेगा, फॉल्स बताने के लिए भी एग्जाम्पल देके उसको फॉल्स घोषित करना पड़ेगा,
समझ में आ गई बात? ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैंने यहाँ पर 6 क्वेश्चन नोट कर दिए हैं और हम वहाँ पर 1 by 1 एक एक डिस्कस करते चलेंगे, ठीक ना। तो मैं यहाँ पर लाइन ऐसे खींच देता हूँ, एक एक चीज़ हम डिस्कस करते चलेंगे, 6 के 6 वहाँ पर हम बना रहे हैं। तो पहले हम डिस्कस करते हैं ये वाला, इफ़ एक्स बिलोंग्स टू ए एंड ए बिलोंग्स टू बी देन एक्स बिलोंग्स टू बी। ये हमको प्रूव कर रहे हैं ना, एक्स बिलोंग्स टू बी, क्या ये सच है या ये गलत है। अच्छा, इसके लिए आपको एक मैं बात बता दूं, बात ये है कि इस क्वेश्चन को समझने के लिए आपको एक छोटा सा कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए जो हमने इस चैप्टर के स्टार्टिंग में आपको दिया था, और वो कॉन्सेप्ट है बिलोंग्स टू का और सबसेट का। समझ रहे हैं? इस पर हमने डिटेल से आपको लेक्चर दिया था, बिलोंग्स टू और सबसेट पर। तो अगर आपने वो लेक्चर ध्यान से समझा है, ध्यान से देखा है, तो यहाँ आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अदरवाइज स्टार्टिंग में जाइए 1.3 एक्सरसाइज के इंट्रोडक्शन पार्ट में, सबसेट टू और बिलोंग्स टू में क्या डिफरेंस है उस पर डिटेल लेक्चर हमने कवर किया हुआ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है इफ एक्स बिलोंग्स टू सेट ए। देखो ये बिलोंग्स टू का सिंबल है और ये सबसेट का सिंबल है, तो ये दोनों चीज़ें आपको क्लियर होनी चाहिए। बिलोंग्स टू का क्या मतलब होता है, सबसेट का क्या मतलब होता है। मैं थोड़ा सा हिंट यहाँ पर जरूर दूंगा क्योंकि हमको क्वेश्चन ही सॉल्व करना है। ओके, एक्स कोई एलिमेंट है, याद रखना, सेट नहीं है ना, सेट ये है ए और बी, एक्स कोई एलिमेंट है। तो एक्स एक ऐसा एलिमेंट है जो सेट ए से बिलोंग करता है, सेट ए के अंदर वो एलिमेंट आता है एक्स, और हमने बोला कि सेट ए पूरा का पूरा सेट बी से बिलोंग करता है, तो सेट ए में जितने एलिमेंट हैं वो पूरे के पूरे उठ के सेट बी से बिलोंग करते हैं, सेट बी के अंदर आता है पूरा का पूरा सेट ए। तो आपको याद आ गया होगा अगर आपने वो लेक्चर देखा है। देन एक्स बिलोंग्स टू सेट बी, तो हमको ये बताना है कि सेट बी के अंदर भी एक्स आता है, क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स, ये हमको बताना है। तो थोड़ा सा इसको एग्जाम्पल लेके समझते हैं, तो ध्यान से देखना है ना। पहला क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं, पहले तो हम एक्स जो एलिमेंट है उसको कुछ मान लेते हैं समझने के लिए। तो देखो मैंने आपको बोला कि मान लो एक्स है 1, किस एलिमेंट की बात कर रहे हैं, एक्स कोई भी एलिमेंट बन सकता था, हमने बोला एक्स क्या है 1। अब इसका क्या मतलब होगा, एक्स बिलोंग्स टू सेट ए क्या मतलब है, कि यानी ये जो एलिमेंट है वो किस सेट में आता है, सेट ए में आता है। तो इसको देखो मैं कैसे लिख देता हूँ, सेट ए ऐसे लिखते हैं, सेट ए में ये वाला एलिमेंट बिलोंग करता है, आता है। तो यहाँ हमने लिख दिया 1, 2, चलो इसको छोटा ही रखते हैं, क्यों ज़्यादा कॉम्प्लिकेट बनाए इसको। तो देखो ये एक ऐसा एलिमेंट है जिसका नाम हमने एक्स रखा था, ये एक्स सेट ए से बिलोंग कर रहा है कि नहीं, कर रहा है, तो हमारा कौन सा स्टेटमेंट ट्रू हो गया, तो आंसर है ये वाला कि एक्स बिलोंग्स टू सेट ए। ये बात समझ में आ गई आपको कि एक्स जो एलिमेंट है वो सेट ए से बिलोंग करता है, सेट ए में आता है, ठीक है, यहाँ तक समझ गए, यानी ये चीज़ हमको क्लियर हो गई। अब दूसरी चीज़ देखो, दूसरा स्टेटमेंट क्या बोलता है, सेट ए पूरा का पूरा किस सेट से बिलोंग करता है, सेट बी से, समझ रहे हैं। तो सेट बी कुछ होगा, देखो सेट ए क्या है, ध्यान से समझना, दिस इज सेट ए 1, 2, ये हमने माना है, और सेट बी से पूरा का पूरा सेट ए बिलोंग करता है, सेट ए ही आ जाता है सेट बी के अंदर। इस चीज़ को कैसे दिखाएंगे, दिस इज वॉट सेट ए, ये पूरा का पूरा सेट बी के अंदर आता है, यानी ये बात ये चल रही है, ये यानी सेट बी का ये एलिमेंट होगा, ये पूरा का पूरा क्या है ब्रैकेट में सेट ए, और सेट ए सेट बी के अंदर बिलोंग करता है, इसका मतलब है सेट बी का ये एलिमेंट होगा, तो ये पूरा का पूरा सेट बी का एलिमेंट बना बैठा है। आगे होंगे और भी कुछ, 3, 4 ऐसे होगा कोई सेट, ये दिख रहा है, ये चीज़ समझ आया, सेट ए इज बिलोंगिंग टू सेट बी, सेट ए बिलोंग्स टू सेट बी, क्या मतलब है, सेट ए पूरा का पूरा सेट बी के अंदर दिखेगा एलिमेंट के तौर पर, एलिमेंट के तौर पर। तो ये मैंने दिखा दिया पूरे के पूरे सेट ए को, ये देखो ब्रैकेट के अंदर, दिख रहा है ना, ये क्या चीज़ क्लियर हो गई कि सेट ए बिलोंग्स टू सेट बी, ध्यान से समझते जाना। तो हमको ये बात क्लियर हो गई, ये बात क्लियर हो गई। अब हमको ये बताना है कि अगर x a से बिलोंग करता है सेट a से, सेट a सेट b से बिलोंग करता है, तो क्या x सेट b से भी बिलोंग करता है। देखो x क्या था, x ये था, क्या ये सेट b के अंदर आया, तो आप बोलेंगे आया, कहाँ आया, ये 1 आया, क्या 1 अकेला है। देखो जैसे ये x a से बिलोंग कर रहा था,
ये वन वन एलिमेंट था सेट ए का, क्या यहां पर कोई वन दिख रहा है? सिर्फ वन जो सेट बी का एलिमेंट हो? नहीं, ये क्या चीज है? ये पूरा का पूरा सेट है, ये सेट ए है जो अभी क्या बना हुआ है? सेट बी का एलिमेंट बना हुआ है, ये पूरा ब्रैकेट, वन खाली नहीं है, समझ रहे हैं ना? एक्स इस सेट बी का एलिमेंट कब बनेगा? एक्स कब बिलोंग करेगा? जब बी कैसा होता? अगर बी ऐसा होता, 1, 2, 3, 4, 5 ऐसा होता, ऐसा, तब हम बोलते कि ये वाला वन सेट बी से बिलोंग करता है, इसमें आता है, एक्स बिलोंग कर रहा है, तो हम बोलते कि एक्स बी से बिलोंग कर रहा है। लेकिन अगर ये सिचुएशन है तो 1, 2 तो सेट ए है, पूरा का पूरा सेट ही सेट बी का एलिमेंट बन गया है, तो वन यहाँ पर नहीं आता, इसलिए एक्स बी से बिलोंग नहीं करता, समझ रहे? तो इस चीज को हम क्या बोलेंगे? ये मैं मिटा दे रहा हूं। यहां से हमको क्या दिख रहा है कि एक्स जो है वो सेट बी से बिलोंग नहीं करता, दिख रहा है? एक्स जो है वो सेट बी से बिलोंग नहीं करता है। अगर नहीं करता है तो क्वेश्चन में तो बिलोंग्स टू लिखा हुआ था, यानी ये स्टेटमेंट क्या है? अगर एक्स सेट ए से बिलोंग करे, सेट ए सेट बी से बिलोंग करे, तो क्वेश्चन बोलता है कि एक्स सेट बी से भी बिलोंग करेगा, ऐसा हुआ क्या? नहीं हुआ, इसलिए ये स्टेटमेंट क्या हो गई? फॉल्स, फॉल्स, समझ गए? तो पहला स्टेटमेंट क्या हो गया? फॉल्स, क्योंकि एक्स सेट बी से बिलोंग नहीं करता। मैंने एग्जांपल भी दे दिया, ये एग्जांपल आप नोट कर सकते हैं, ठीक है? इसको मैं साइड में लिख देता हूं और यहीं पर हम क्वेश्चन नंबर 2 भी सॉल्व कर लेते हैं। एक्स डू नॉट बिलोंग्स टू सेट बी, ये हमारा रीजन हो गया ये, ठीक है? अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 यहीं पर सॉल्व करेंगे, दो दो करके सॉल्व करते चलते हैं, ठीक है? सेकंड वाला देखो ना, सेकंड स्टेटमेंट क्या है? सेट ए इज ए सबसेट ऑफ सेट बी, अब ये सबसेट है, बिलोंग्स टू नहीं है, एंड सेट बी बिलोंग्स टू सेट सी, पूरा का पूरा सेट बी सेट सी के अंदर एलिमेंट के तौर पर रहेगा, बिलोंग कर रहा है। देन सेट ए बिलोंग्स टू सेट सी, तो सेट ए सेट सी से बिलोंग करेगा क्या? पूरा का पूरा सेट ए दिखेगा क्या? नहीं। अब यहां पर समझना ना, ये सबसेट है, सबसेट कब, एक सेट दूसरे सेट का कब सबसेट कहलाता है? तो आंसर है जब ए के सभी एलिमेंट बी के अंदर भी मौजूद होंगे, तब हम बोलेंगे कि सेट ए सेट बी का सबसेट है। तो इसको समझो ना, हम एग्जांपल से समझते चलते हैं। हमने मान लिया कि सेट ए कुछ है, जैसे ये सेट ए को मैंने मान लिया, दिस इज 1, 2, दिस इज सेट ए, है ना? सेट ए मान लिया ये। अब सेट बी को कुछ मान लेते हैं और ऐसा मानेंगे कि सेट ए के सभी एलिमेंट सेट बी के अंदर आते होंगे, तभी ना ए से सबसेट ऑफ बी बनेगा। तो मैं यहां पर आपको दिखा रहा हूं सेट बी, दिस इज सेट बी 1, 2, 3, 4, मान लो ये सेट बी है। तो देखो सेट ए के एलिमेंट 1 और 2 सेट ए से बिलोंग कर रहे हैं और सेट बी से भी बिलोंग कर रहे हैं, ये क्या बन गया कि ए इज ए सबसेट ऑफ सेट बी। ये चीज क्लियर हो गई एग्जांपल से, ए इज ए सबसेट ऑफ सेट बी। अब हम ये बोल रहे हैं कि एक सेट सी है जिसके अंदर पूरा का पूरा सेट बी आ जाता है, यानी सेट बी बिलोंग्स टू सेट सी है, बिलोंग्स टू, और ये है पूरा का पूरा सेट। इसको थोड़ा छोटा कर लेता हूं मैं, क्या जरूरत है इतना बड़ा बनाने का, 3 तक ही रखते हैं ऐसे। ये मान लो सेट बी है, ये पूरा का पूरा सेट किसके अंदर आ जाता है? सेट सी के अंदर। तो देखो बी सेट क्या है, दिस इज 1, 2, 3, और ऐसे ही एक सेट सी होगा जिसके अंदर पूरा का पूरा सेट भी बिलोंग कर रहा है, और सेट भी पूरा का पूरा क्या है, ये। तो ये पूरा का पूरा एलिमेंट बन के इसके अंदर आएगा ऐसा, दिस इज 1, 2, 3, ये आ गया कौन, ये पूरा का पूरा सेट भी सेट सी का एलिमेंट बन गया। ये आगे भी होगा, ये गाड़ी आगे गई होगी ऐसे, दिस इज सेट सी सपोज। अब हमको ये बताना है क्या सेट ए सेट सी से बिलोंग कर रहा है? अगर ए बी का सबसेट हो, सेट बी सेट सी से बिलोंग करता हो, तो ए भी सेट सी से बिलोंग करेगा। देखो कर रहा है कि नहीं, ए क्या है 1, 2, सिर्फ 1, 2 आया क्या, 1, 2 कहीं भी नहीं आया, समझ रहे हैं ना? ये 1, 2, 3 ये पूरा का पूरा तो सेट बी है, इसको आप 1, 2 नहीं गिनेंगे, 1, 2 जब अलग से दिखता 1 और 2, तब हम बोलते कि सेट ए सेट सी से बिलोंग कर रहा है, लेकिन यहां पर नहीं है। तो यहां पर क्लियरली हमको क्या दिख रहा है कि सेट ए इज नॉट या बिलोंग्स टू था, सेट ए डज नॉट बिलोंग्स टू सेट सी, दिख रहा है ना? सेट ए का ये एलिमेंट 1 और 2,
सेट सी में नहीं आता, कहीं भी नहीं दिख रहा, इसलिए ए डज नॉट बिलोंग टू सेट सी, और यहां पर तो बिलोंग्स टू सेट सी लिखा है, मतलब ये भी क्या होगा, फॉल्स, तो नोट कर लेना, दूसरा स्टेटमेंट भी फॉल्स हो गया। ठीक है, अब हम इसको रब करते हैं और आगे बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ, तब तक इसको नोट कर लीजिए पॉज करके, थर्ड क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। थर्ड क्वेश्चन देखिए बोर्ड में, दो हमने बना लिए, तीसरा क्वेश्चन देखते हैं ना, इफ ए इज ए सबसेट ऑफ सेट बी, ए बी का सबसेट है, ये यहां चीज क्लियर हो गई थी, हमने इससे पहले के एग्जांपल में डिस्कस किया इस बात को। ठीक है, तो तीसरा क्वेश्चन हम डिस्कस करने जा रहे हैं, ए इज ए सबसेट ऑफ सेट बी एंड बी इज ए सबसेट ऑफ सेट सी, तो ए इज ए सबसेट ऑफ सेट सी, ये तो जाहिर सी बात है होगा, ये तो पढ़ के ही समझ में आ जाता है कि ए अगर बी का सबसेट है, इसका मतलब है ए के सभी एलिमेंट बी के अंदर होंगे, तभी तो ए इसे सबसेट ऑफ सेट बी है, और बी इसे सबसेट ऑफ सेट सी है, बी के पूरे पूरे एलिमेंट सेट सी से बिलोंग करते होंगे, देखो ए के पूरे एलिमेंट सेट बी के अंदर हैं और बी के पूरे एलिमेंट सेट सी के अंदर हैं, तो सी के अंदर ए के एलिमेंट आ गए कि नहीं आ गए, आ जाएंगे, इसलिए ए इसे सबसेट ऑफ सेट सी होगा, ट्रू होगा, इसको पहले ही लिख देता हूं मैं, दिस इज ट्रू, ये पढ़ के ही समझ में आ जाना चाहिए आपको, अगर सबसेट का कॉन्सेप्ट क्लियर है तो। मैं इसके एग्जांपल से समझाता हूं, देखो मान लेते हैं लेट ए एक सेट है और इसके अंदर एक एलिमेंट आता है 1, दिस इज सेट ए। ठीक है, ए इसे सबसेट ऑफ सेट बी, यानी ए के पूरे पूरे एलिमेंट बी के अंदर आते होंगे, तो मैंने बोला ये है बी सेट और इसके एलिमेंट है 1, 2, तो देखो 1 ए से बिलोंग कर रहा है, 1 बी से बिलोंग कर रहा है, तो ए के सभी एलिमेंट बी के अंदर हैं, ये क्या बन गया, दिस इज ए इज ए सबसेट ऑफ सेट बी, ये चीज बन गया। ठीक, अब क्वेश्चन बोलता है बी इज ऑल्सो सबसेट ऑफ सेट सी, तो बी एक सेट है कौन सा, 1, 2, सी एक सेट होगा जिसके अंदर बी के पूरे पूरे एलिमेंट आते होंगे, सो सी इज ए सेट, दिस इज 1, 2, 3, ऐसा मान लो, तो देखो 1, 2 दिखा b के एलिमेंट और 1, 2 b के एलिमेंट c में भी आ रहे हैं, तो ये क्या बन गया, b इज ए सबसेट ऑफ सेट b बन गया। अब हमको ये चेक करना है क्या a c का सबसेट होगा, तो देखो ना a का एलिमेंट कौन था, 1, 1 a से बिलोंग कर रहा है, 1 c से बिलोंग कर रहा है कि नहीं, कर रहा है, सो a इज सबसेट ऑफ सेट c, ये भी होगा, क्यों होगा समझ गए ना, क्योंकि 1 ए से बिलोंग कर रहा है, 1 सी से भी बिलोंग कर रहा है, तो 1 के पूरे पूरे एलिमेंट सेट सी के अंदर भी हैं, इसलिए ए इज ए सबसेट ऑफ सेट सी, देयरफॉर दिस स्टेटमेंट इज ट्रू, हमने पहले लिख लिया, स्टेटमेंट पढ़ के समझ में आ जाना चाहिए। ठीक, चौथा स्टेटमेंट ले रहा हूं मैं, चौथा, ठीक देखो चौथा है, इफ ए इज नॉट ए सबसेट ऑफ सेट बी, यानी ए के सभी एलिमेंट बी के अंदर नहीं है, नॉट ए सबसेट ऑफ सेट बी and b is not a subset of set c, then a is not a subset of set c, ये इसी का reverse है, converse है, ये इसका subset था, ये इसका subset था, तो a c का subset होगा, यहाँ यही बोल रहा है a b का subset नहीं है, b c का subset नहीं है, तो a b c का subset नहीं होगा, तो इसको फट से तुम क्या करोगे, true लिख दोगे, जैसे यहाँ लिखे थे a b का subset है, b c का subset है, तो a c का भी subset होगा, true, उसी का उल्टा तो चल रहा है, ए बी का सबसेट नहीं है, बी सी का सबसेट नहीं है, तो ए बी सी का सबसेट नहीं होगा, ट्रू, लेकिन ट्रू हर केस में नहीं होता, समझ रहे, ये है फॉल्स, फॉल्स भी हो सकता है, ये अभी फॉल्स है एक पर्टिकुलर कंडीशन में, ट्रू भी हो सकता है, कोई डाउट नहीं है, लेकिन फॉल्स है 100%, देखो कैसे, समझना ना, ए बी इज नॉट ए सबसेट, तो ए में हम कुछ एलिमेंट मान लेते हैं, सपोज 1, ये दिस इज सेट ए, सेट बी में ये एलिमेंट नहीं आता, ध्यान से समझना ना, सेट बी में बोल देता हूँ ये है 2, 3, अब ये एलिमेंट सेट ए से बिलोंग कर रहा है लेकिन सेट बी से बिलोंग नहीं कर रहा, इसका क्या मतलब है, ए इज नॉट सबसेट ऑफ सेट बी, ये चीज क्लियर हुआ पहली चीज, अब बी इज नॉट ए सबसेट ऑफ सेट सी, ध्यान से समझना, बी के एलिमेंट सेट सी से बिलोंग नहीं करते, बी मैंने क्या माना 2, 3, एक सेट सी होगा, ये ऐसा हो सकता है, देखो दिस इज 1 और 2 और 3 इसमें नहीं आते क्योंकि 2 और 3
बी के एलिमेंट्स हैं, मना तो सिर्फ इस चीज़ के लिए है ना कि बी के एलिमेंट सेट सी के अंदर नहीं आने चाहिए, तो बी के एलिमेंट सेट सी के अंदर नहीं आए, दिस इज 4.5, ये आ गया, समझे ना। अब हमको ये बताना है क्या ए इज नॉट ए सबसेट ऑफ सेट सी है। यहाँ पर मना ही सिर्फ किस चीज़ की थी कि बी के एलिमेंट सी के अंदर नहीं आते, बी इज ए नॉट सबसेट ऑफ सी, तो ठीक है बी के एलिमेंट नहीं आए, लेकिन ये थोड़ी ना मना है कि इसमें वन नहीं आ सकता, सेट ए के एलिमेंट तो आ सकते हैं ना, ये सेट ऐसा हो सकता है। तो देखो वन ए से बिलोंग कर रहा है, वन सी से बिलोंग कर रहा है, तो इसका क्या परिणाम निकला, इसका परिणाम निकला कि ए इज ए सबसेट ऑफ सेट सी, जबकि क्वेश्चन में इसको क्या बोला गया है, नॉट ए सबसेट ऑफ सेट सी। ए के अंदर तो भाई देखो सेट सी के अंदर तो ए के एलिमेंट आ सकते हैं ना, ऐसा तो कोई मना नहीं है। पीछे के स्टेटमेंट में देखो ए के एलिमेंट बी के अंदर नहीं आएंगे, नहीं आए, बी के एलिमेंट सी के अंदर नहीं आएंगे, नहीं आए, लेकिन ये तो बोला ही नहीं है कि ए के एलिमेंट सी के अंदर नहीं आ सकते, तो ये तो आ सकता है ना सी के अंदर, अगर आ सकता है तो ए सी का सबसेट हो सकता है, तो जरूरी नहीं है कि हम हर बार नॉट सबसेट होगा। हाँ ये सेट अगर बदल जाए 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 हो, 1 भी नहीं आए, तो फिर कंडीशन ट्रू हो सकती है, लेकिन लेकिन ए का एलिमेंट सी के अंदर आ सकता है कि नहीं, क्योंकि मना तो है नहीं, तो आ सकता है, तो ये सबसेट बन सकता है, इसलिए ये स्टेटमेंट क्या हो गया, फॉल्स। समझ आ रहा है, ओके इसको नोट करें। अब अगले दो एग्जांपल अपन लेते हैं इसके, मैं इसको रब करता हूँ, पॉज करके नोट करो। अब हम बना रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है ध्यान से समझो, क्वेश्चन है If x belongs to set A, x कोई एलिमेंट होगा, स्मॉल लेटर में जब भी कोई चीज़ लिखी होगी आप उसको एलिमेंट मानेंगे, x एक एलिमेंट है जो सेट A से बिलोंग करता है, एंड A इज नॉट ए सबसेट ऑफ सेट B, सेट A के एलिमेंट सेट B के अंदर नहीं है, बिलोंग नहीं करते, इसलिए A सेट B सेट का सबसेट नहीं है, तो क्या x B से बिलोंग करेगा। क्वेश्चन ये बोल रहा है ना कि अगर X is belonging to set A, X belongs to set A and A is not a subset of set B, तो 100% X belongs to B होगा, ये क्वेश्चन बोल रहा है, चेक करके देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, X belongs to set A, तो तुरंत अपन मान लेते हैं कि मान लो ये एक एलिमेंट है 1, इसको हमने X बोला है। अब क्वेश्चन क्या बोलता है, X belongs to set A, एक सेट होगा A जिसके अंदर ये एलिमेंट आता होगा, सपोज दिस इज सेट ए, उसके अंदर ये एलिमेंट आ रहा है एक्स यानी वन आ रहा है, बिलोंग कर रहा है, तो इस चीज को हम क्या बोलेंगे, इस चीज को हम बोलेंगे, यहीं पे लिख देते हैं कि एक्स बिलोंग्स टू ए, ये पहली चीज जो क्वेश्चन में लिखी है वो क्लियर हो गई ये। अब दूसरी चीज बोल रहा है कि सेट ए सेट बी का सबसेट नहीं है, यानी सेट ए के एलिमेंट बी के अंदर नहीं आएंगे, तो ठीक है सेट ए है ये और सेट बी हम थोड़ा सा डिफरेंट ले लेते हैं, दिस इज 3, 4, 5, तो सेट ए के एलिमेंट सेट बी के अंदर नहीं आते, तो इस चीज को हम क्या बोलेंगे कि सेट ए इज नॉट सबसेट ऑफ सेट बी, ये दूसरी चीज भी क्लियर हो गई, ए इज नॉट ए सबसेट ऑफ सेट बी, ठीक है। तो क्या एक्स बी से बिलोंग करेगा, देखो कर रहा है क्या एक्स बी से बिलोंग, एक्स क्या है 1, 1 आया क्या, बोलिए बोलिए 1 आया क्या, 1 आया क्या, नहीं आया, नहीं आया ना। क्वेश्चन क्या कहता है कि x a से बिलोंग कर रहा हो, अगर x a से बिलोंग करे और सेट a सेट b का सबसेट ना हो तो x b से भी बिलोंग करेगा, तो देखो ना x को हमने बोला देखो a से बिलोंग कर रहा है तो x belongs to a, सेट a के एलिमेंट सेट b के अंदर नहीं आते तो x is not a subset of set b, तो क्या ये x b के अंदर दिखेगा, नहीं दिख रहा है भाई, 1 है क्या कहीं, नहीं आया, तो हम बोलेंगे x do not belongs to set B, ये हमको मिला जबकि क्वेश्चन ने क्या लिखा था x belong करेगा, तो ये स्टेटमेंट क्या हो गया, फॉल्स, फॉल्स हो गया, दिख रहा है ना x नहीं आ रहा यहाँ, 1 नहीं आता। देखो अगर a के एलिमेंट b के अंदर नहीं आएंगे, a में कौन सा एलिमेंट है x, और क्वेश्चन बोल रहा है कि a b का सबसेट नहीं है, मतलब ये पूरा का पूरा एलिमेंट यहाँ नहीं आएगा, तो 1 भी नहीं आएगा, x भी नहीं आएगा, तो x कहाँ से बिलोंग करेगा b से, फॉल्स हो गया, ठीक है। लास्ट वाला क्वेश्चन छठवां, अभी हमने पांचवा बनाया था, ये फिफ्थ था ना, सिक्स देखते हैं। इफ ए इज ए सबसेट ऑफ सेट बी, सेट ए बी का सबसेट है, यानी ए के पूरे पूरे एलिमेंट बी के अंदर आते हैं, एंड एक्स नॉट बिलोंग्स टू सेट बी, और एक्स सेट बी से बिलोंग नहीं करता, एक्स सेट बी से बिलोंग नहीं करता,
तो x सेट A से भी बिलोंग नहीं करेगा, ठीक है। हालांकि ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल एग्जैक्ट है जैसे ये थर्ड वाली थी, ये भी ट्रू होगा। कैसे होगा, पढ़ के समझ में आ जाना चाहिए। A B का सबसेट है तो A के पूरे पूरे एलिमेंट B के अंदर आएंगे। अब एक एलिमेंट B से बिलोंग नहीं करता, ये बड़ा सेट होगा ना। देखो एक सेट दूसरे सेट का सबसेट कब बनता है, जब वो उसका टुकड़ा होता है, टुकड़े को सबसेट बोलते हैं ना। इसके पूरे पूरे एलिमेंट इसके अंदर मौजूद हैं, ये तो बड़ा सेट होगा ना, उस सेट के अंदर इसके भी एलिमेंट मौजूद हैं, इसी का तो टुकड़ा है ये A, इसीलिए A इसे सबसेट ऑफ B, समझ रहे हैं। तो ये छोटा सेट है, ये बड़ा सेट है। अब बड़े सेट में ये एलिमेंट नहीं आता तो छोटे में कहाँ से आएगा, छोटे में भी नहीं आएगा, इसलिए ये ट्रू होगा। मैं आपको एग्जांपल से बताता हूँ, अगर नहीं समझ में आया होगा तो आ जाएगा समझ में, देखना ना। A इसे सबसेट ऑफ सेट B, मान लो लेट ये एक सेट है सेट A 1, 2, और हम बोल रहे हैं कि ये B का सबसेट है, यानी ये एलिमेंट B के अंदर भी आते होंगे। तो सेट B ऐसा कुछ होगा, ये दिस इज सेट B, तो 1, 2 A के अंदर भी आ रहा है, B के अंदर भी आ रहा है, तो वी विल कॉल इट A इज ए सबसेट ऑफ सेट B। ये बात पूर्णतः सत्य हो गई। अब एक ऐसा एलिमेंट है जो B में नहीं आता, B से बिलोंग नहीं करता, B सेट ये है, इसके अंदर एक ऐसा एलिमेंट है जो नहीं आता B में, कोई भी एलिमेंट ले लो ना। तो हमने बोला लेट x इज इक्वल टू 5, मान लो x कौन सा एलिमेंट है जो B में नहीं आता, 1, 2, 3, 4 के अलावा कोई भी नंबर ले लो, मैंने 5 ले लिया, तो हम क्या बोलेंगे, ये है सेट B, कौन ये 1, 2, 3, 4। हमने क्या देखा कि x जो है वो सेट B से बिलोंग नहीं करता, दिख रहा है ना, 5 नहीं आता सेट B के अंदर। तो अब एक बात बताओ, इसी सेट का टुकड़ा तो ये है A, तब ना A इसे सबसेट ऑफ B बना, ये एक B में से ही ये टुकड़ा निकल के A बन गया। अब अगर B सेट में ही ये एलिमेंट नहीं आता, बड़े सेट में जब वो एलिमेंट नहीं आता तो टुकड़े में कहाँ से आएगा, समझ रहे हो ना। सो X नॉट बिलोंग टू A, A में तो आबा ही नहीं करेगा, नॉट बिलोंग्स टू A, A में तो आबा ही नहीं करेगा, B में नहीं आ रहा तो A में कहाँ से आएगा, तो सच हो गया कि नहीं, ट्रू हो गया। तो इसको नोट करिए, दिस इज अवर क्वेश्चन नंबर 2, बहुत बढ़िया क्वेश्चन था। अब इसके बाद जो क्वेश्चन स्टार्ट होंगे, क्वेश्चन नंबर 3 से क्वेश्चन नंबर 12 तक, वो सर चकरा देने वाले क्वेश्चंस होंगे, तो ध्यान से समझना है कि क्वेश्चन को नोट करिए पॉज करके। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्वेश्चन है, लेट ए बी एंड सी बी द 3 सेट्स, ए बी सी 3 सेट हैं, सच दैट, कैसे, ए यूनियन बी ए यूनियन सी के बराबर है, ए यूनियन बी ए यूनियन सी के बराबर है, और ए इंटरसेक्शन बी ए इंटरसेक्शन सी के बराबर है। तो हमको प्रूव करना है, शो दैट बी इज इक्वल टू सी, ये चीज हमको प्रूव करनी है, शो करना यानी प्रूव करना, ठीक है। तो ये आप नोट कर लें, ठीक है, ओके, दिस इज, ये हमको प्रूव करना है। अब थोड़ा सा आपको इसके लिए एक कॉन्सेप्ट ध्यान में लाना पड़ेगा, दो सेट कब इक्वल होते हैं, ये हम पहले पढ़ चुके हैं भाई, ठीक है ना, इनको हमको इक्वल करना है, हमको सिचुएशन चाहे जो दी हो उससे हमको फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। सिचुएशन तो हम क्रिएट भी कर सकते हैं ना, सिचुएशन क्रिएट करना मैथ्स वालों के लिए कोई बड़ी चीज़ नहीं है, हम जब चाहें जो चाहें जैसी चाहें वैसी सिचुएशन क्रिएट कर सकते हैं। मेन है हमको प्रूव क्या करना है कि सेट बी और सेट सी दोनों बराबर हैं, और ये चीज़ हम पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है, कहाँ, जब हम लोग इम्प्लाई का सिंबल यूज़ करना सीख रहे थे, डबल इम्प्लीकेशन याद आया। तो देखो ये कैसे काम करेगा, ध्यान से समझना, ये चीज़ हमने पढ़ी है ऐसे, देखो ना, अगर देखना ध्यान से समझना, इफ सेट ए इज ए सबसेट ऑफ सेट बी एंड सेट बी इज ए सबसेट ऑफ सेट ए, अगर ये हो जाए, इफ ए बी का सबसेट हो, यानी ए के पूरे पूरे एलिमेंट बी के अंदर हों और बी के पूरे पूरे एलिमेंट ए के अंदर हों, तो ए बी का सबसेट और बी ए का सबसेट, तो दोनों सेट कैसे हो जाएंगे, सेम सेम एलिमेंट वाले, यानी ये डबल इम्प्लीकेशन का सिंबल हम लगाते थे, दिस इज ए इज इक्वल टू बी, ये बनाते थे पहले, पढ़े हैं ना, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे, ए के पूरे एलिमेंट बी के अंदर
और बी के सारे एलिमेंट सेट ए के अंदर, तो दोनों सेट कैसे हो गए बराबर? डबल इम्प्लीफिकेशन का साइन लगा के ए इक्वल टू बी हो जाता था। इस सिंबल को क्या पढ़ते थे? इफ 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 एंड ओनली इफ का कंडीशन है ये, इफ एंड ओनली इफ, उसको आई डबल एफ लिखते थे, ठीक है। तो ये कंडीशन होती थी हमारी, ये ठीक है। यानी देखो दो सेट है ए और बी, अगर ए बी का सबसेट बन जाए, बी ए का सबसेट बन जाए, तो ए इक्वल टू बी हो जाएगा। यानी अगर ये दोनों चीज़ें मिल गई हमको, दोनों चीज़ें हमने बना ली, तो ये प्रूव हो गया। या ये अगर दिया हुआ है तो ये और ये होगा कंपलसरी, इधर से भी गाड़ी जाएगी, इधर से भी गाड़ी जाएगी। अगर ये हुआ तो ये होगा, और अगर ये हुआ तो ये होगा। बात समझे? डबल इम्प्लीकेशन का सिंबल तो यही बताता था ना, समझ गए? यही चीज़ हम यहाँ इम्प्लीमेंट करेंगे। अब देखो यहाँ हमको कौन से दो सेट इक्वल करने हैं, सेट बी और सेट सी। तो हम क्या करेंगे, हम एक बार सेट बी को सेट सी के साथ सबसेट बना लेंगे। बी इसे सबसेट ऑफ सी, ये सबसेट का सिंबल, और सी थोड़ा बढ़िया से बनाना ना ऐसे। बी इसे सबसेट ऑफ सी, और एक बार क्या करेंगे, एक बार हम सी को बी का सबसेट बना लेंगे, तो क्या प्रूव हो जाएगा कि बी और सी सेट दोनों बराबर हैं। तो अगर मुझे सेट बी और सेट सी को इक्वल प्रूव करना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे बी को सी का सबसेट प्रूव करना पड़ेगा, और सी को बी का सबसेट प्रूव करना पड़ेगा। अगर ये दोनों चीज़ें मैंने प्रूव कर दी, तो वो प्रूव हो जाएगा बी इक्वल टू सी, समझ रहे हैं ना। तो ये वाला एक कॉन्सेप्ट यहाँ पर हम लोग यूज़ करेंगे, जो आप पहले डिटेल से पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बनाना। तो देखिए, अगर अगर टू प्रूव सेट बी इक्वल टू सेट सी, अगर ये प्रूव करना है, सो वी हैव टू प्रूव, तो इसके लिए हमको क्या प्रूव करना पड़ेगा, तो आंसर है नंबर वन, क्या प्रूव करना पड़ेगा कि बी सी का सबसेट है। बी इज ए सबसेट ऑफ सेट सी, और नंबर टू, सी इज ए सबसेट ऑफ सेट बी। ये दो चीज़ें हमको प्रूव करनी पड़ेंगी। अगर हमने ये चीज़ प्रूव कर दी कि सेट बी सी का सबसेट है और सेट सी सेट बी का सबसेट है, तो ये तो ऑटोमेटिकली प्रूव हो जाएगा, क्योंकि डबल इम्प्लीफिकेशन से ये नियम हमको मालूम है, हमने पहले ही बना रखा है, समझ आई बात। अब ध्यान लगाओ कि ये चीज़ और ये चीज़ कैसे प्रूव करें, क्योंकि यही वो दो चीज़ें हैं जिससे ये प्रूव होगा, समझे ना। तो हम बारी बारी से इसको और इसको प्रूव करेंगे, दोनों प्रूव हो जाएंगे, वो ऑटोमेटिकली प्रूव हो जाएगा, समझे, ठीक। चलो, तो नंबर वन इसको हमको प्रूव करना है, बी इज ए सबसेट ऑफ सेट सी। चलो स्टार्ट करते हैं, बी इज ए सबसेट ऑफ सेट सी, ये हमको प्रूव करना है, कैसे करें। और उसके लिए ये जो कंडीशंस दी गई हैं क्वेश्चंस में, इसको आप भरपूर यूज़ कर सकते हैं। ये दोनों कंडीशंस हैं जो क्वेश्चन ने बता रखी हैं, इसको भरपूर आप प्रूव कर सकते हैं। आप कैसे करें, कहाँ से स्टार्ट करें, कैसे बनाएं, चीज़ें सब आपके सामने हैं। ये चीज़ हमको प्रूव करनी है, फिर बाद में ये चीज़ हमको प्रूव करनी है, ये दोनों प्रूव हो जाएंगी, तो दोनों को इक्वेशन दे के डायरेक्ट हम लिख देंगे कि बी इक्वल टू सी हो गया, प्रूव हो गया। तो करना असल में इन दोनों को प्रूव है, समझे ना। चलो अब स्टार्ट करते हैं, बी ये हमको प्रूव करना है, तो मुझे इसे ऐसे लिखना चाहिए, इसे टू प्रूव, पहला ये हम प्रूव करने जा रहे हैं। कैसे करें, देखो कैसे प्रूव कर सकते हैं इसको, इसके लिए थोड़े से हम एजम्पशंस मानेंगे, बिना एज्यूम करे तो हम आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे ना, तो हम थोड़ा सा एज्यूम करेंगे। ऐसे सोचो, एक एलिमेंट है जो सेट ए से, ए तो हालांकि यहाँ आ नहीं रहा है, बी और सी आ रहे हैं, तो हम सिर्फ इन्हीं की बात करेंगे। हम मान लेते हैं एक सेट बी है, सेट बी होगा तो उसके कुछ एलिमेंट होंगे, ब्रैकेट के अंदर उसके एलिमेंट लिखेंगे ना, कोई एलिमेंट आता होगा जो सेट बी से बिलोंग करता है, उस एलिमेंट को मान लो एक्स है। ध्यान से समझना, तो मैंने बोला लेट, एज्यूम कर रहा हूँ कि एक्स एक एलिमेंट है जो किससे बिलोंग कर रहा है, सेट बी से। ध्यान से समझते जाना भाई, ठीक है ना, ध्यान से एक एक पॉइंट एक एक चीज समझते जाओगे, ठीक है। देखो हमने माना कि एक एलिमेंट है एक्स, जो किस सेट से बिलोंग करता है, सेट बी से। अब देखो ना, ये है ए यूनियन बी,
ए यूनियन बी का क्या मतलब, इनका हम हेल्प लेंगे, इनका हम हेल्प लेंगे. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ए यूनियन बी? ए यूनियन बी एक ऐसा सेट होगा जिस सेट के अंदर एलिमेंट कौन होंगे. तो आंसर है सेट ए के भी एलिमेंट आ जाएंगे, सेट बी के भी एलिमेंट आ जाएंगे, जो कॉमन होगा उसको एक बार लिखेंगे. यानी ए यूनियन बी एक ऐसा सेट है जिसके अंदर किसके किसके एलिमेंट आते हैं, ए वाले सेट के भी आ जाते हैं, बी वाले सेट के भी आ जाते हैं. तो अगर अगर ध्यान से देखना, अगर ये एलिमेंट सेट बी से बिलोंग करता है तो सेट बी के पूरे पूरे एलिमेंट ए यूनियन बी के अंदर आएंगे कि नहीं? ए यूनियन बी के अंदर ए के भी एलिमेंट आते हैं, बी के एलिमेंट भी आते हैं. तो बी के पूरे एलिमेंट तो ए यूनियन बी के अंदर है ना. अब बी का ही एक एलिमेंट एक्स है, तो एक्स ए यूनियन बी के अंदर आ गया कि नहीं आया? आया, ठीक है. तो अगर एक्स बी से बिलोंग करेगा और बी ए यूनियन बी का सबसेट है, फिर से थोड़ा सा इसको मैं इजी करता हूँ, फिर से एक बार बताता हूँ, ध्यान से समझना, ध्यान से सुनना. ए यूनियन बी एक ऐसा सेट है जिसके अंदर सेट ए के भी एलिमेंट आ जाते हैं, सेट बी के एलिमेंट भी आ जाते हैं. तो सेट ए भी यहाँ मौजूद, सेट बी भी यहाँ मौजूद, दोनों के एलिमेंट मौजूद ए यूनियन बी के अंदर. तो सेट ए भी क्या कहलाएगा? ए यूनियन बी का सबसेट. और सेट बी भी क्या कहलाएगा? ए यूनियन बी का सबसेट. क्योंकि बी के पूरे एलिमेंट ए यूनियन बी के अंदर दिखेंगे, ए के पूरे एलिमेंट ए यूनियन बी के अंदर दिखेंगे. तो ए भी ए यूनियन बी का सबसेट कहलाएगा, बी भी ए यूनियन बी का सबसेट कहलाएगा. अब ध्यान से समझना, अगर एक एलिमेंट बी से बिलोंग करता है तो वो एलिमेंट जाहिर सी बात है ए यूनियन बी से भी बिलोंग करेगा, क्योंकि बी के पूरे एलिमेंट इसके अंदर आएंगे, है ना. बी इसे सबसेट ऑफ ए यूनियन बी. तो इस चीज़ को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि अगर एक्स बी से बिलोंग कर रहा है तो एक्स कंपलसरी है, कंपलसरी है कि ए यूनियन बी से भी बिलोंग करेगा. और रीज़न देना चाहें तो रीज़न क्या दे सकते हैं कि बी इज ए सबसेट ऑफ ए यूनियन बी. ये चीज़ समझ में आ रहा है आपको? बी ए यूनियन बी का सबसेट होगा. इसके अंदर कौन कौन से एलिमेंट होंगे? ए के भी एलिमेंट आ जाएंगे पूरे, बी के एलिमेंट भी पूरे पूरे आ जाएंगे. तो ए भी ए यूनियन बी का सबसेट कहलाएगा, बी भी सबसेट कहलाएगा. तो अगर बी ए यूनियन बी का सबसेट है तो एक्स इसके अंदर आएगा, ए यूनियन बी के अंदर. समझ गए? अब देखो ना, ए यूनियन बी किसके बराबर लिखा है? ए यूनियन सी के बराबर. तो अगर एक्स ए यूनियन बी से बिलोंग करता है और ये इसके बराबर है, तो एक्स ए यूनियन सी से भी बिलोंग करेगा. और रीजन क्या कि ए यूनियन बी किसके बराबर लिखा हुआ है क्वेश्चन में? ए यूनियन सी के बराबर. तो ये इससे भी बिलोंग करेगा, ए यूनियन सी से, ठीक है. यहां तक समझे? अब ए यूनियन सी से एक्स बिलोंग कर रहा है, इसका क्या मतलब है कि एक्स या तो ए के अंदर आता होगा या सी के अंदर आता होगा. इसका मतलब यही हुआ ना. इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि एक्स या तो ए से बिलोंग करता होगा या एक्स सी से बिलोंग करता होगा, इससे या इससे. ए यूनियन बी का तो यही मतलब हुआ ना, ए यूनियन सी का. ए यूनियन सी का क्या मतलब है? सेट ए के एलिमेंट, सेट सी के एलिमेंट. अब एक्स ए यूनियन सी से बिलोंग करता है, इसका मतलब है या तो एक्स सेट ए में आता होगा या सेट सी में आता होगा, इन्हीं दोनों में बिलोंग करता होगा. अब स्टार्टिंग में देखो, हमने क्या माना था? एक्स किससे बिलोंग कर रहा है? बी से. और एक्स यहाँ किससे बिलोंग कर रहा है? सी से. तो एक्स बी से भी बिलोंग कर रहा है, एक्स सी से भी बिलोंग कर रहा है. अगर ये बात आ गई, एक्स बी से भी बिलोंग कर रहा है, एक्स सी से भी बिलोंग कर रहा है, इसको क्या लिखोगे? एक्स दोनों में बिलोंग करता है, यानी एक्स कॉमन एलिमेंट है. कॉमन एलिमेंट के लिए क्या लिखते हैं? एक्स बी से भी बिलोंग कर रहा है, एक्स सी से भी बिलोंग कर रहा है, दोनों में कॉमन है एक्स, तो क्या लिखोगे? बी इंटरसेक्शन सी. बी इंटरसेक्शन सी से बिलोंग कर रहा है एक्स. समझ रहे हैं? थोड़ा सा टेक्निकल वर्ड है. हालांकि हम इसके दो केस बना सकते हैं, एक केस ये, एक केस ये. समझ गए? इसके दो केस बना सकते हैं, ध्यान से समझना. केस नंबर वन, केस नंबर टू, ध्यान से देखना ना. केस नंबर वन, केस नंबर वन क्या? x बिलोंग्स टू a, ये तो पहले ही माना था हमने. x बिलोंग्स टू b एंड x बिलोंग्स टू a, ये वाला बना रहा हूँ ना. b तो हमने ही माना था, ये a से बिलोंग कर रहा है और b से बिलोंग कर रहा है, ठीक है. ठीक है, तो एक केस हम इसका बना लेते हैं और एक केस हम किसका बना लेना है, ये b से बिलोंग कर रहा है और c से बिलोंग कर रहा है. तो दूसरा केस हम यहाँ पर बना लेते हैं, केस नंबर टू. केस नंबर टू क्या बना लें कि x एक बार b से बिलोंग कर रहा है एंड x एक बार c से बिलोंग कर रहा है. ये
एक बार इसका इसका जोड़ा बना लिया, एक बार इसका इसका, ये तो हमने माना ही था शुरू में, ये दो केस आए, तो एक बार ये, एक बार ये और एक बार ये, ठीक है। अब इसको देखो कैसे ये बनेगा। तो यहाँ पर क्या निष्कर्ष निकला, यहाँ पर हमने इनका जोड़ा बनाया, x बिलोंग्स टू b और x बिलोंग्स टू a, ये वाला लिए ना। इसका क्या मतलब है, ये इससे बिलोंग कर रहा है, ये इससे बिलोंग कर रहा है, दोनों से बिलोंग कर रहा है, तो क्या लिखेंगे, a इंटरसेक्शन b से बिलोंग कर रहा है, a इंटरसेक्शन b किसके बराबर दिया है, a इंटरसेक्शन c। तो अगर x a इंटरसेक्शन b से बिलोंग करता है तो a इंटरसेक्शन c से भी बिलोंग करेगा। अब इस चीज़ का मतलब क्या होता है इंटरसेक्शन c का, कि x a से भी बिलोंग करेगा और c से भी बिलोंग करेगा, तो मैंने c वाला लिख लिया। अब शुरू में हमने माना था कि x b से बिलोंग कर रहा है, यहाँ पता चल गया कि x c से भी बिलोंग कर रहा है, तो x b से भी बिलोंग कर रहा है, x c से भी बिलोंग कर रहा है, ये क्या है, x एक एलिमेंट है जो b में भी आता है, c में भी आता है, दोनों में आता है, तो दोनों सेट कैसे होंगे बराबर। इसलिए यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, b इक्वल टू c, या चलो अभी थोड़ा एक दो स्टेप और बना लेते हैं। ये दो चीज़ क्लियर हुई, x इंटरसेक्शन a, x बिलोंग्स टू b, x बिलोंग्स टू c, x c से भी बिलोंग कर रहा है, x b से भी बिलोंग कर रहा है, दोनों से बिलोंग कर रहा है, तो इसको क्या लिखोगे, x b इंटरसेक्शन c से बिलोंग करता है, दोनों से बिलोंग करना मतलब क्या, समझ रहे हो ना, इसको क्या लिख सकते हो आप, कि ये b इंटरसेक्शन c से बिलोंग कर रहा है, ये देखो x b से भी बिलोंग किया, x c से भी बिलोंग किया, दोनों से बिलोंग कर रहा है, इसलिए क्या लिखेंगे, b इंटरसेक्शन c से बिलोंग कर रहा है। और यहां पर भी वही केस है, x b से बिलोंग कर रहा है, x c से बिलोंग कर रहा है, दोनों से बिलोंग कर रहा है, तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, b इंटरसेक्शन c। यानी यहां अगर हम केस नंबर टू बनाते, इसका और इसका जोड़ा बनाते, तो अगले स्टेप में ये लिखा हुआ मिलता, और अगर हम इसका और इसका जोड़ा बनाते तो दो स्टेप के बाद यही सेम स्टेप लिखा हुआ मिलता। यानी यहां से क्या पता चल गया कि x किससे बिलोंग करता है, b इंटरसेक्शन c से। ये देखो, अच्छा b इंटरसेक्शन c, ये तो ठीक है, इसको हम ये भी तो लिख सकते हैं। देखिए b इसे सबसेट ऑफ c को कैसे समझते हैं, इसका क्या मतलब होता है, देखना ना ध्यान से, b सबसेट ऑफ c है, इसका क्या मतलब है, इसका क्या मतलब है, अगर हम ध्यान से समझो ना, अगर हम ये माने कि एक एलिमेंट b से बिलोंग करता है, देखो इसका क्या मतलब है, b इसे सबसेट ऑफ c, कि b के सभी एलिमेंट c के अंदर भी होंगे, तो एक एलिमेंट जो b से बिलोंग करता है वो c से भी बिलोंग करना चाहिए, तभी तो b इसे सबसेट ऑफ c बनेगा। तो अगर मैंने ये बोला कि एक एलिमेंट, देखो इफ x बिलोंग्स टू b, और मैं कुछ भी जुगाड़ लगा के ये अगर बना दूं कि x c से भी बिलोंग कर रहा है ऑल्सो, अगर x एक एलिमेंट है जो b से बिलोंग करता है, और अगर मैंने इसको ये प्रूव कर दिया कि यही एलिमेंट c से भी बिलोंग करता है, तो इसका क्या मतलब होगा, एक एलिमेंट b से बिलोंग कर रहा है और वही एलिमेंट c के अंदर भी है, तो b और c एक दूसरे के सबसेट हो जाएंगे कि नहीं, तो इस चीज़ को हम क्या लिख सकते हैं कि b इसे सबसेट ऑफ सेट c। तो यही चीज़ तो यहाँ हमने बनाई, तो इसको हमको सबसेट लिखना चाहिए, अदरवाइज इंटरसेक्शन में फिर आपको कन्फ्यूज़न होगा, तो इसको हम थोड़ा सा मॉडिफाई कर दे रहे हैं। देखो x b से बिलोंग करता है, ठीक, और हमने प्रूव कर दिया कि x c से भी बिलोंग करता है, ये एक ऐसा एलिमेंट है जो सेट b के अंदर भी है और सेट c के अंदर भी आ गया, तो इसको हम क्या बोलेंगे कि b और c क्या है, सबसेट, b इसे सबसेट ऑफ c, समझ आया। यहाँ से भी डायरेक्ट देखिए, x एक ऐसा एलिमेंट है जो b के अंदर बिलोंग करता है और हमने प्रूव कर दिया कि x c से भी बिलोंग करता है, सो दिस इज b इसे सबसेट ऑफ सेट c, ऐसा लिखना चाहिए था। तो इसको हम दे देते हैं इक्वेशन नंबर वन, पहली चीज हमने बना ली, अब हम दूसरी चीज बनाएंगे, c इंटरसेक्शन b, ठीक है, तो इसको मैं इधर का रब कर देता हूँ। दूसरी चीज देखो, c इंटरसेक्शन b कैसे प्रूव करेंगे, पहली चीज तो आ गई, दूसरी चीज देखो, थोड़ा सा लंबा चला गया प्रक्रिया, दूसरी चीज देखो ना, फॉर c इज इंटरसेक्शन ऑफ b, क्योंकि एक चीज तो प्रूव हो गई, b इज ए सबसेट ऑफ c, अब अगर हम c इज ए सबसेट ऑफ b प्रूव कर दें तो हमारा काम हो जाएगा, ठीक है। अब इसको अपन कैसे प्रूव करेंगे, ये देखिए, जैसे यहां से स्टार्ट किया था, अब एक एलिमेंट हम मानेंगे, क्या, लेट x बिलोंग्स टू, किसी से भी ले लेते हैं, मान लो c से बिलोंग करता है, एक एलिमेंट हमने माना x, जो किससे बिलोंग कर रहा है, सेट c से। अब अगर वो सेट b से भी बिलोंग करने लग जाए, अगर मैं इस बात को प्रूव कर दूं, अभी मैंने बताया आपको यहां पर
एक एलिमेंट सेट सी से बिलोंग करता है और अगर मैंने ये प्रूव कर दिया कि वो सेट बी से भी बिलोंग करता है तो इसका क्या मतलब होगा, सी इज ए सबसेट ऑफ बी, यही होगा ना, वही चीज करने जा रहे हैं। तो हमने माना एक एलिमेंट है एक्स जो सेट सी से बिलोंग करता है। अब ध्यान से देखना, अब हम इसकी सहायता लेंगे। अगर एक एलिमेंट सेट सी से बिलोंग करता है तो वो कंपलसरी ए यूनियन सी से बिलोंग करेगा कि नहीं, क्योंकि ए यूनियन सी एक ऐसा सेट है जिसके अंदर ए के एलिमेंट आ जाते हैं, सी के एलिमेंट आ जाते हैं, आ जाएंगे, समझ में आए कि नहीं। क्योंकि इस ए यूनियन सी के अंदर सेट सी के भी एलिमेंट आते हैं तो सी क्या कहलाएगा, ए यूनियन बी का सबसेट कहलाएगा। तो सी के एलिमेंट आ रहे हैं ना ए यूनियन सी के अंदर, और सी के अंदर एक्स आता था इसलिए एक्स भी किसके अंदर आ गया, ए यूनियन सी के अंदर। तो देयरफॉर एक्स ऑल्सो बिलोंग्स टू ए यूनियन सी, क्यों, क्योंकि सी क्या है, सबसेट ऑफ ए यूनियन सी, ये चीज समझ में आना चाहिए, ठीक। अब ए यूनियन सी किसके बराबर लिखा है, ए यूनियन बी के, तो अगर ये ए यूनियन सी से बिलोंग करता है तो ये ए यूनियन बी से भी बिलोंग करेगा। और इसके लिए रीजन क्या है, ए यूनियन सी किसके बराबर लिखा हुआ है क्वेश्चन में, ए यूनियन बी के बराबर लिखा हुआ है, यूज कर लिए, ठीक। अब फिर से समझो इसका क्या मतलब है, अगर x belongs to a union b लिखा है तो इसका क्या मतलब है, x a से भी belong करता होगा या b से belong करता होगा। और union मतलब a union b में कौन से एलिमेंट आएंगे मेरे भाई, a के भी एलिमेंट आ जाएंगे, b के भी एलिमेंट आ जाएंगे। और x belongs to a union b लिखा है मतलब या तो x a वाले से belong करेगा या b वाले एलिमेंट से belong करेगा। तो इस चीज को हम क्या लिखेंगे, x belongs to a और x belongs to b, या तो a से belong करेगा या b से belong करेगा। फिर से हम क्या मान के चले थे, x belongs to c, और दो केस हमको यहाँ मिल गया। तो हम फिर से केस नंबर वन बना रहे हैं, पहली चीज़ तो हमने ये मानी थी कि x belongs to c, और दूसरी चीज़ हमको क्या मिल गई, x belongs to a, ये वाला केस नंबर वन बना रहा हूँ। और यहाँ पर हम केस नंबर टू बना लेते हैं, हम मान के चले थे कि x c से belong करता है और यहाँ पर x b से भी belong करता है, दोनों जगह आ गया, x c से भी बिलोंग करता है, x a से भी बिलोंग करता है, इसका क्या मतलब है, x दोनों में आता है, c में भी आता है, a में भी आता है, यानी दोनों कॉमन है, x दोनों में कॉमन है। और कॉमन को क्या लिखते हैं अपन, x बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन c लिखते हैं, दोनों में आता है, c में भी आता है, a में भी आता है, मतलब दोनों में x कॉमन है। कॉमन के लिए क्या वर्ड यूज करते हो, देखो x बिलोंग्स टू c एंड x belongs to a, दोनों में आता है, इस बात को कैसे लिखते हैं, a intersection c, और a intersection c लिखे मतलब क्या हो गया, किसके बराबर है, a intersection b, तो अगर ये a intersection c से belong करता है तो ये पक्का a intersection b से भी belong करेगा, करेगा करेगा। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि x a से भी belong करेगा और x b से भी belong करेगा। इंटरसेक्शन का मतलब एंड होता है, x a से भी बिलोंग करेगा, x b से भी बिलोंग करेगा। आप ध्यान से देखो, शुरू में हमने क्या माना था, x c से बिलोंग करता है, c से बिलोंग करता है, और यहाँ क्या निकल गया, x b से भी बिलोंग करता है। तो एक एलिमेंट c में भी आता है, b में भी आता है, तो c और b क्या हो गए, सबसेट, देयरफॉर c इज ए सबसेट ऑफ b, ये चीज यहाँ से बन गई, यही सेम टू सेम वहाँ से बन जाएगा। देखो x c से बिलोंग करता है एंड x b से बिलोंग करता है, x एक ऐसा एलिमेंट है जो c में भी आता है, b में भी आता है, तो c के पूरे एलिमेंट b में आ गए कि नहीं। तो इस चीज को अपन क्या लिख सकते हैं, डायरेक्ट डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं, x belongs to c इज ए सबसेट ऑफ b, या इसको डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हैं, c इज ए सबसेट ऑफ b। वहां से भी ये मिला, यहां से भी ये मिला, दिस इज इक्वेशन नंबर टू, कहीं से भी ले लो, चाहे वो बना लो चाहे बना लो डायरेक्ट। तो इक्वेशन नंबर वन में हमको क्या मिला, बी, ये बिलोंग्स टू लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट बी इसे सबसेट ऑफ सी, यहां भी ये लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आप बी इसे सबसेट ऑफ सी लिख सकते हैं, बी इसे सबसेट ऑफ सी एंड सी इसे सबसेट ऑफ बी। तो दोनों को मिलाइए, यहां पर मैं लिख रहा हूं दोनों का रिजल्ट फ्रॉम वन एंड टू, B is a subset of C and C is a subset of B. C is a subset of B. तो क्या हो जाएगा, डबल इंप्लीकेशन से B is equal to C, यही प्रूव करना था।
प्रूव हो जाएगा, ठीक है। तो नोट कर लो, थोड़ा सा लेंदी है लेकिन प्रोसेस आपको समझना है, प्रोसेस समझ जाओगे तो ईजी हो जाएगा। नोट करें,